दोस्तों नमस्कार। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम जानेंगे भू आविष्ठित राज्य किसे कहते हैं, भारत के भू आविष्ठित राज्य कौन कौन से हैं, यानी लैंड लॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया के विषय में इस वीडियो में हम एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। मैं संजय कुमार गुप्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भू आविष्ठित राज्यों को जानने से पहले हम जानते हैं कि भू आविष्ठित राज्य आखिर होते क्या है। भू आविष्ठित राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसकी सीमा किसी अन्य देश की सीमा एवं किसी समुद्री तट को स्पर्श नहीं करती है, यानी वो राज्य जो किसी अन्य देश की सीमा और किसी समुद्री तट को नहीं छूता है भू आविष्ठित राज्य कहलाता है। अगर जिले के बारे में बात करें तो वह जिला जो किसी अन्य राज्य को नहीं छूता है भू आविष्ठित जिला कहलाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, दो शर्तें। एक बात यानी जिस राज्य की सीमाएं किसी अन्य देश की सीमाओं से नहीं लगती हैं, दूसरी बात यह कि उसकी सीमाएं किसी समुद्री तट को भी स्पर्श नहीं करती हैं, ऐसा राज्य भू आविष्ठित राज्य कहलाता है। भारत में भू आविष्ठित राज्यों की संख्या कितनी है और वह कौन कौन से प्रदेश हैं जो भू आविष्ठित प्रदेश या राज्य हैं, आइए आगे एक सरल ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। भू आविष्ठित राज्य वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य हैं, जिनमें से 5 भू आविष्ठित राज्य हैं, शेष 23 राज्य भू आविष्ठित राज्य नहीं है। हमारी LWF ट्रिक है हम झारे छत। आप भी कहें 2-3 बार हम झारे छत। जी हाँ, हम झारे छत। देखिए यह चित्र है और इसमें एक बच्चा सफाई कर रहा है। माँ कहती है कि छत भी काफी गंदी हो चुकी है, तो यह कहता है कि हम झारे छत। बस आपको इस सिचुएशन को अपने जहन में रखना है और याद रखें हम झारे छत। इसका मायने क्या है? हा से होता है हरियाणा, माँ से बना मध्य प्रदेश, झारे से बना झारखंड, छ से बना छत्तीसगढ़ और ता से बना तेलंगाना। हा से हरियाणा, माँ से मध्य प्रदेश, झारे से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़ और ता से तेलंगाना। ये भारत के 5 राज्य हैं जो भू आविष्ठित राज्य कहलाते हैं, क्योंकि इन राज्यों की सीमा रेखाएं ना तो विदेश से सीमाएं साझा करती हैं और ना ही ये किसी समुद्र तट पर स्थित हैं। इसलिए इन राज्यों को भू आविष्ठित राज्यों की संज्ञा दी जाती है। आइए मैप की सहायता से हम इनकी लोकेशन या सिचुएशन को जान लेते हैं। यह है रहा भारत का मैप और यह देखिए उत्तर में हरियाणा, राजधानी है चंडीगढ़। यह देखें बिल्कुल बीचों बीच में भारत का हृदय मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल। तीसरा राज्य है झारखंड, यह है भारत का पूर्वी राज्य है, राजधानी है रांची। और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी है रायपुर। और देखिए यह है तेलंगाना, भारतीय प्रायद्वीप का ऐसा राज्य जो तटीय नहीं है। भारतीय प्रायद्वीप का एकमात्र ऐसा राज्य है तेलंगाना जो तटीय नहीं है, याद रखें। भारतीय प्रायद्वीप का एक ऐसा राज्य है तेलंगाना जो तटीय राज्य नहीं है, अर्थात इसकी सीमा रेखाएं समुद्र तट को नहीं छूती हैं, और इसकी राजधानी है हैदराबाद। इन सभी राज्यों की लोकेशन को आप देख सकते हैं और यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर आता है कि यह किसी विदेशी राज्य के साथ सीमाएं साझा नहीं करते हैं, साथ ही साथ यह समुद्र तट पर भी स्थित नहीं है और इसीलिए इन्हें भारत के भू आविष्ठित राज्य या लैंड लॉक्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है, तेलंगाना का 11वां स्थान है, छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान है और हरियाणा का 20वां स्थान है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है और इसका क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अगर आप आर्थिक रूप से सबल हैं, सक्षम हैं, तो आप कर सकते हैं हमारी मदद, इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों
अब हम आपसे पूछने वाले हैं प्रश्न, घबराइए नहीं, उत्तर दीजिए, और अगर नहीं मालूम है तब भी आप सर्च करके उत्तर दीजिए। विश्व के कितने देश भू आविष्ठित देश हैं? विश्व में सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन सा है? कमेंट्स करिए, हमें रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। हम शॉर्ट वीडियो भी तैयार कर रहे हैं। इसके पहले हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्यों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक आपके साथ शेयर की है, वह भी वीडियो आप देखिए। विधान परिषद के गठन, अवधि, अर्हता, पदाधिकारी पार्ट टू और यूपी में काबा, ये भी अनोखी ट्रिक है, आप इन्हें जरूर देखें। लगभग 150 वीडियो हमने प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अपलोड किए हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नया टॉपिक लेकर। नमस्कार, जय हिंद।